कार्यक्रम किया इन लोगों ने, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और मेरा मानना है कि कुछ चिंताएं हैं जो पुरुष आयोग भी चिंता कर रहा है, आने वाले समय में वो कानून का रूप भी देना चाहिए, ले सकता है। हम सब एक ही है, इंसान है और इंसानियत के साथ रहना चाहिए, यही बात। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इंडियन पिनल कोड को पूरा रिफॉर्म किया जाए, जो भी कानून है उनको जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए। इस साल भी पुरुष आयोग अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के अवसर पे IMD अवार्ड्स वर्ष 2022 का आयोजन कर रही है, जहां पे हम सभी सम्मानित करने वाले हैं उन सभी पुरुषों को जिन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति, समुदाय के प्रति नेक कार्य किए हैं, बहुत सारा योगदान दिया है। और इस खास अवसर पे आप सभी हमारे बीच मौजूद हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और इस शाम की शुरुआत करेंगे, तो क्यों ना मैं रिक्वेस्ट करूं आप सभी लोगों से कि ना हम सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम के साथ हम सभी शुरुआत करें। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी हम सभी नेशनल एंथम के लिए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और यहाँ पे लेजेंडमैन हम सभी आगे बढ़ेंगे और सम्मानित करेंगे नोबल मैन इन सोसाइटी, जिन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति, समुदाय के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत ही नेक कार्य किए हैं। अब उन्हें सम्मानित करने का वक्त आ गया। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी चीफ गेस्ट सोनल मान सिंह जी के हमारे साथ जुड़े और सम्मानित करें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रणदीप गुलेरिया जी को। जोरदार ताली, सभी से रिक्वेस्ट। आचार्य प्रशांत हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर माइक भी जुड़े, आप सभी से तालियों का सहयोग। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अश्विनी उपाध्याय, आप सभी से तालियों की दरख्वास्त जरूर करूंगी। और आगे बढ़ते हुए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर गौरव आर्य जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जोरदार ताली। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर यशपाल जी को फेलिसिटेट कर रही है हमारी चीफ गेस्ट सोनल मान सिंह जी और जर्मन, आप सभी से तालियों की दरख्वास्त जरूर मैं करना चाहूंगी। पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट बरखा त्रिहान जी हमारे बीच जुड़ी और शिखा श्रीवास्तव जी को फेलिसिटेट करें।
अपने जनमन हम सभी सम्मानित कर रहे हैं खुरफाती नितिन। ठीक, हमारे बीच में मौजूद है श्री मनोज तिवारी जी, जिनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस रूम में बैठा हर एक व्यक्ति इनको जानता है। तालियों के सहयोग के जरूर दरख्वास्त में करना चाहूंगी सभी से, एवरीवन। पुरुष योद्धा अवार्ड से अनूप जी को सम्मानित करें और जोरदार तालियों के साथ जन्मिन आप सभी का सहयोग। आप सभी को इंटरनेशनल मेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं। पिछले दिनों वाराणसी में श्रीमती बरखा त्रेहन जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बताया कि वो एक IMD पुरस्कार यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पुरस्कार का आयोजन करती है, जिसमें समाज के विभिन्न हिस्सों के पुरुष जिन्होंने कुछ खास काम किया है उनको सम्मानित किया जाता है। सो पुरुष भी समाज का अहम हिस्सा है और उन सबके सराहनीय योगदान के लिए उनको ये सम्मान दे रही हैं बरखा जी। सो मेरी शुभकामना है बरखा त्रेहन जी को, उनको पूरी टीम को और उन सभी सम्मानित पुरुषों। दोस्तों, आज इंटरनेशनल मेंस डे पे आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ बरखा त्रेहन जी जैसे एक चींटी एक 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 मिट्टी का दाना करके अपना घर बनाती है, एक चिड़िया एक एक पत्ता लेके अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह से बरखा त्रेहन जी ने बहुत सा संघर्ष और त्याग के साथ इस जो मेंस का कॉज है उसको इनने लगातार एक चर्चा में रखा है, इस पर काफी काम किया है और मैं आप सबको आज इंटरनेशनल मेंस डे पे बहुत बधाई देता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है ये अवार्ड जो आज दिए जा रहे हैं ये काफी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और आगे चल के अपने आप में एक माइलस्टोन बनेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से बरखा त्रेहन जी IMD अवार्ड्स और पुरुष आयोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के देश हमारे देश में बहुत सारे लोग बात संविधान की करते हैं पर जो संविधान की मूल वैल्यू है विच इज जेंडर इक्वालिटी उसके लिए नहीं खड़े होते। बरखा त्रेहन ने पुरुषों की आवाज उठाते हुए हमारे संविधान के आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है उसकी वैल्यू को रिस्पेक्ट किया और उसकी वैल्यू को आगे लेकर गई हैं। बरखा जी को मैं बहुत समय से जानता हूं और अपने काम में वो हमेशा पूर्ण रूप से मैं कहता हूं जस्ट इन्वॉल्व ही नहीं होती, पैशनेटली उससे जुड़ी रहती है और पैशनेटली जुड़ी होने के साथ साथ में उसके बारे में एम्पथाइज भी करती है, उस कॉज के बारे में एम्पथाइज भी करती है एंड दैट डिफरेंशिएट्स बरखा त्रेहन फ्रॉम एनी अदर सोशल एक्टिविस्ट विच यू सी टुडे। सो बरखा जी ऑल द बेस्ट। अभी मैं इस वक्त गुजरात के एक गाँव में मौजूद हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू मेक इट टू योर ब्रिलियंट इनिशिएटिव बट माई विशेज आर विथ यू, कीप टेकिंग पुरुष आयोग फॉरवर्ड एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और जनमन हम सभी जानते हैं 10 वर्षों से भी ज्यादा का समय, 10 वर्षों से भी ज्यादा का संघर्ष और ऐसे अनकंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे जो समाज में सबसे ज्यादा इग्नोर, मैं बोलूंगी जहाँ पे पुरुषों के हक को देखा जाता है, एक महिला का हक जहाँ पे हम सभी बहुत सारे संस्थान आपको मिलेंगे जो महिलाओं के इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बट एक ऐसी संस्थान पुरुष आयोग जो समाज में नरअंदाज पुरुषों के हक के लिए लड़ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्यों ना जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रेसिडेंट पुरुष आयोग बरखा त्रेहन जी। मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच जुड़े और दो शब्द यहाँ पे जरूर बोले। सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की, सभी को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू ऑल, जोरदार तालियां हो जाए। एक शाम पुरुषों के नाम, एक शाम पुरुषों के सम्मान में, आखिर पुरुष ही तो है जो दिन भर एक परिवार को पालने में, उस परिवार को आगे बढ़ाने में पूरा दिन लगा रहता है। वो पुरुष एक पिता है, एक भाई है, एक पति है, एक बेटा है।
देने लग गए हैं आज कि ठीक है पिता है तो कर रहा है, बेटा है तो कर रहा है, या भाई है तो इसका तो फर्ज है करना। इतना भार डाल दिया है हमने उसके कंधों पे कि बेचारा दब सा गया है। अब आप सोचेंगे कि मैं तो महिला हूं, मुझे तो सिर्फ महिलाओं की बात करनी चाहिए, पुरुषों की कहां से ये बात ले आई हूं मैं, ये क्या है? सारा देश महिला महिला कर रहा है और आप पुरुष पुरुष क्या कह रही हैं? हमें नहीं समझ आता। सारे दरवाजे खटखटा लिए, लॉ मेकर से लेकर के पीएम मोदी से लेकर चीफ मिनिस्टर दिल्ली का मालिक, चार चार बार पांच पांच बार मुलाकात करके एक ही बात तो कही कि सर समानता, समानता लाइए सर, एक समान कानून। यहां बैठे हैं हमारे साथ अश्वनी जी, जो हमेशा समान कानून की बात करते हैं, पीआईएल भी डाली है उन्होंने। तो समानता, कैसी समानता है? अभी तो हमारे पास जितने भी कानून है सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, तो क्या हमने पुरुषों को भुला दिया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दिन ये समारोह मना रहे हैं हम, इतने हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हमारे नेतागण जो रोल मॉडल बनते हैं, क्यों नहीं वो आगे आते, क्यों नहीं वो समाज के 51% को रिप्रेजेंट करते, वहां क्यों नहीं आज ट्वीट्स आए? आज अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस पे आज उन्होंने क्यों नहीं बधाई दी? बस यही चेंज मैं चाहती हूं। हमारे बीच में बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हैं, वो सब इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कई बार बोलने से चूक जाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो वो बोलनी चाहते भी हैं, जो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, लेकिन वो चूक जाते हैं। तो मैं चाहूंगी इस मंच से आपको ये कहना कि सर स्पीक अप मैन, इट्स टाइम टू स्पीक अप। इनजस्टिस अगेंस्ट मेन शुड नॉट हैपन। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर। मैं तीन मेन जेंडर्स की बात कर रही हूं। तो बहुत जरूरी है इस मुद्दे पे आप लोगों को बात करने का। सम्मान क्या सिर्फ महिलाओं का होना चाहिए? रिस्पेक्ट वुमेन, क्यों, व्हाई नॉट रिस्पेक्ट मेन? आपने सुना कि जब मैंने ये राज्यसभा में कहा तो हल्ला हुआ एंड द मेन वर वेरी हैप्पी। बाद में मुझे सेंट्रल हॉल में बहुत हाई फाई मिला। तो ये हंसने की बात तो नहीं है, सच्चाई कहीं ना कहीं इसमें छिपी हुई है। लेकिन एक बात तो है कि हजारों वर्षों का जो गुब्बार महिलाओं में, और हमारे यहाँ अनगिनत, चाहे वो सीता थी, द्रौपदी थी, या आज की महिलाएं हैं, लव जिहाद भी चल रही हैं, आप जानते हैं, तो ज़्यादा करके इन पे इनका जो उत्पीड़न हुआ है महिलाओं का, उसका शायद एक अलग स्वरूप, अलग क्या कहूँ, एक अलग पक्ष अब उभर रहा है। मेरा मानना यह है कि महिला आयोग भी हटा देना चाहिए। अब जो मानवाधिकार का आयोग है, ह्यूमन राइट्स, वही रहे, क्योंकि हम भी जेंडर के तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, वो शायद ज़रूरी था एक समय में। खैर, मैं तो कुछ, एक पुराना श्लोक है शास्त्रों में है, और उसमें जो स्त्री विवाह करके आती हैं उनके लिए कहा गया कि उसके क्या 6 गुण होने चाहिए, उसके सामने मैंने लिखा। और कई पंडित विद्वत सभाओं में भी मैंने कहा कि मैंने लिखा है, सुन लीजिए। कहीं कहीं थोड़ा पंडितों को बुरा लगा, विद्वानों को बुरा लगा, बाद में हंसने लगे, क्योंकि वो जो एक खोखली हंसी होती है ना,
जब एम्बेरसमेंट होती है तो मैंने लिखा कि पति में क्या 6 गुण होने चाहिए, वो भी तो पुरुष आयोग की आप बात कर रही हैं तो वो सुन लीजिए, एंड यू कैन कोट इट। कार्येषु मंत्री, पत्नी के जो काम है उसमें वो सेक्रेटरी की तरह मदद करे। करणेषु दास, और घर के कामों में हाथ जुटाए। भोजनेषु भ्राता, बहन को जैसे भाई प्यार से खिलाता है, भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, जो भी हो, हमारे यहाँ तो खिलाते हैं आजकल का पता नहीं। शयनेषु कृष्ण, कृष्ण की तरह पत्नी को आनंद दे। धर्मानुकूल, पत्नी का जो धर्म है उसको भी वो अनुकूल हो। और क्षमाकार व्योमम, आकाश की तरह क्षमावान हो। के बैलेंस्ड यू, अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है हमारी उस पर हम लोग नृत्य करते हैं, इतने स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, बराबर बराबर। शिव है तो शक्ति है, यिन है तो यांग है, पुरुष है तो प्रकृति है और स्त्री है तो पुरुष है। लेकिन हमारे यहाँ मातृदेवो भव पहले कहा गया, पितृदेवो भव बाद में कहा गया। माता से संसार की उत्पत्ति है, माता यानी स्त्री। तो जितना उत्पीड़न महिलाओं का हुआ है सदियों से, उसको ध्यान में रखते हुए आज का पुरुष को जागृत करना है, साहस देना है, उद्यमी बनाना है और उनके दुख में हाथ भी बटाना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इंटरनेशनल मेंस डे, और जो इस कार्यक्रम के पीछे मूल प्रेरणा है बरखा जी, उनको मैं बड़ी सम्मान की दृष्टि से इसलिए भी देखता हूं कि वो कुछ समाज में हमेशा नया सोचती रहती हैं। वो मिसाल है कई मायने में धारा के विपरीत बहने के लिए भी। वैसे आमतौर पर व्यक्ति धारा के विपरीत बहना स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसमें चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन बरखा जी को हमने जितना जाना है, मैं अपनी तरफ से भी उनके लिए तालियां बजा करके उनका उत्साह वर्धन करना चाहता हूं। तो मैंने एक गाना अभी हाल ही में बनाया, भी रिकॉर्ड नहीं किया हूं, अभी केवल 2-3 जगह उसको ऐसे सुनाया लोगों को कि माई हमार पढ़ल नहीं खे, लेकिन हमरा के पढ़ावे ले, पाप का पुण्य का रोजे सिखावे ले। वो कहती है कि दुनिया में कमी नहीं खे रोजी रोजगार के, कमी बाटे आदमी में बात व्यवहार की। कोई ना पढ़ावलू कि तबिया पढ़ावे ले, नो टीचर टॉट मी, वो भी मेरी माँ ने पढ़ाया। तो माँ का, नारी का सम्मान तो रहना ही चाहिए। मैंने एक सूत्र दिया है कि हाउ टू प्रिवेंट टेंशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये मैं सोच के गाना लिखा था। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे सुनीला की मर्द के ना नाव लिहल जाला, ओकरा बिना नाव लिहले कुछ ना कहाला,
नाव लेके कोहेली की चाय दो जरा सा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे, कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमाना, जवन वो कर मान करे कह देले साफा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही। हालांकि ये रास्ता बहुत सकरीला है, लेकिन पुरुषों की भी बातों को निश्चित रूप से सुना जाना चाहिए। इसमें आपने कदम बढ़ाया है, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, बहन बरखा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आज आपने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसके लिए हमने भी कभी सोचा नहीं था। मंच पर उपस्थित आदरणीय सोनल जी, हमारे मित्र बहुत विवेक शर्मा जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया साहब हैं, बाकी सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैंने अब तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग 125 पीआईएल फाइल किया है, हाई कोर्ट में अलग अलग हाई कोर्ट में लगभग 25 पीआईएल फाइल किया है, करीब 150 पीआईएल हैं मेरी, उसमें से करीब 25 जनरल जस्टिस जेंडर इक्वालिटी पे है। लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, तलाक का तरीका सबका एक हो, तलाक का ग्राउंड सबका एक हो, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिले, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिले, विरासत का अधिकार सबको समान हो, वसीयत का अधिकार सबको समान हो, प्रॉपर्टी का राइट सबको समान हो, ऐसे पूरे देश में समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, करीब 25 पीआईएल मेरी समानता के ऊपर है। लेकिन मेरा कभी इस एंगल पे ध्यान नहीं गया कि जिस पे बरखा जी कई सालों से प्रयास कर रही हैं, लेकिन आज बैठे बैठे मुझे कुछ आइडिया आया जब बरखा जी बात कर रही थी कि फेक केसेस का समाधान क्या है, और वो रियली मुझे आज ही उसका समाधान समझ में आया, यहीं बैठे बैठे सोफे पे समझ में आया, इसके पहले मुझे ध्यान नहीं दिया था। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन में करते हैं सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय सो 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 सो, और मैं यहां पे गया या मैं गई और मेरे साथ ये हुआ। सेम कंप्लेन जब पुरुष देता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं है, पुलिस वाला उसको पी कहते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, वो पी करे, अगले दिन एफआईआर कर ले, या ये भी कह सकता है कि हमने पी कर लिया, हमें कुछ मिला ही नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन कोई अगर बहन जाती है, कोई महिला जाती है और वो कहती है मेरे साथ फला 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 हुआ, तो उसमें पी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुरंत उसको एफआईआर में कन्वर्ट करना है, और एक बार एफआईआर में कन्वर्ट हो गई आपकी शिकायत, तो वो थानेदार भी कुछ नहीं कर सकता, अल्टीमेटली आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं, अगर आपको लगता है आपके खिलाफ वो केस फेक है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं बल्कि आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा उस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए, 2-4 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। अगर उसी एफआईआर के नीचे एक लाइन लिखवा दिया जाए कि उपरोक्त जो बातें मैंने कहा है, जो शिकायत मैंने दर्ज किया है, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पे मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए भी तैयार हूं, इतनी बात अगर एफआईआर के कंप्लेन के फॉर्मेट में आ जाए तो मुझे लगता है 90% फेक केसेस लिखना ही बंद हो जाएगा। क्या आप लोग सहमत है कि नहीं है? जोर से बोलिए जरा। केवल एक अंडरटेकिंग हो जाए कि जो मैं बात कह रहा हूं, जरूरत पड़ने पे, जरूरी नहीं लेकिन आवश्यकता पड़ने पे, इसके लिए मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए, पॉलीग्राफ कराने के लिए, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, मुझे लगता है थाने के केस भी कम हो जाएंगे, कोर्ट के मुकदमे भी कम हो जाएंगे, हरेसमेंट भी कम हो जाएगा, सुसाइड भी कम हो जाएगा, उत्पीड़न भी कम हो जाएगा, बेइज्जती भी कम हो जाएगी। और ये मैंने इसलिए कहा, मेरे पास एक बहुत बड़े कथावाचक का फोन आया मथुरा से, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, बोले आप एक पीआईएल फाइल कर दो कि जिस तरीके से रेप का आरोप लगाने के बाद रेप का आरोप लगाने वाली का नाम और फोटो पब्लिश नहीं कर सकती पुलिस या मीडिया, उसी तरीके से इतना हो जाए
कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक चार्जशीट पूरी ना हो जाए, तब तक जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसका भी नाम और फोटो और उसका वीडियो मीडिया पब्लिश न करे। जो मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक हैं उन्होंने कहा, अश्विनी जी आज की डेट में भारत के महात्माओं को, संतों को टारगेट करने के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं, यहां पे विषकन्या पैदा की जा रही है, नागकन्या पैदा की जा रही है, और उनको धीरे धीरे आश्रम में एज ए शिष्या उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ऐसे दो तीन मुझे उन्होंने नाम बताए जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, कि उन कथावाचकों ने, उन महात्माओं ने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। तो बोले अगर ये खतरा आप कम नहीं कराओगे तो मैं भागवत कथा तो करूंगा, रामायण की कथा करूंगा, राम कथा करूंगा, कृष्ण कथा करूंगा, लेकिन मैं राष्ट्र के लिए और देश के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतें हम लोगों का मुंह शांत करने के लिए ये साधन अपना रही। तो अब सोनल जी समस्या इस बात की है कि जब इतना अगर दिमाग में फियर रहेगा कि मैंने देश के लिए कुछ कह दिया, मैंने राष्ट्र के लिए कुछ कह दिया, या मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ पक्ष में कुछ कह दिया, और अपोजिट वाली पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए इस तरीके का साधन यूज कर रही है, किसी लड़की को 10 लाख रुपए दे को शिकायत करवा रही है, और शिकायत होते ही तुरंत FIR में कन्वर्ट हो गया, उसकी फोटो पूरी फ्लैश हो गई, मीडिया में पूरा उसका चलने लग गया, तो उसके लिए तो कुछ बचा नहीं ना, इसलिए एक खतरा है। तो जो बरखा जी ने, जो पुरुष आयोग ने ये उठाया है, मेरा भी मानना है बहुत गंभीर खतरा है, इस पे गंभीरता से चिंतन की जरूरत है, कानूनों में बदलाव की जरूरत है। बहुत सीधी सी बात है, रेप जैसा मामला बहुत गंभीरता के साथ जांच होना चाहिए। अगर बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो मैं तो कहता हूं आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी के लिए भी कानून होना चाहिए, लेकिन अगर झूठा आरोप है तो झूठा आरोप लगाने वालों को भी कम से कम 10 साल की सजा तो होनी चाहिए। अगर सही आरोप लगने पे किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा हो रही है तो झूठा आरोप लगा के उसको, उसके परिवार को, उसके माँ बाप को, उसकी बहन को, उसके भांजे को, उसके साले बहनोई सबको बदनाम करने वाले को 10 साल की सजा तो होनी चाहिए ना। तो जब तक झूठा आरोप लगाने वालों के लिए कुछ कानून नहीं बनेगा, जैसा मैंने कहा FIR में एक नीचे कंप्लेन में क्लॉज नहीं होगा कि हाँ इसके लिए मैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करवाने की तैयार नहीं हूं, और तीसरा नाम जब तक सीक्रेट नहीं रखा जाएगा तब तक इसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें जो देश को खोखला करना चाहती हैं, जो इस देश में राष्ट्रहित के लिए प्रखर आवाज है उनका मुंह बंद करना चाहती हैं, स्वाभाविक सी बात है वो इसको उपयोग कर सकती हैं, एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं और आवश्यक पड़ने पर जो मैं कर सकता हूं जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बरखा जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आयोजन कराए, और आप वहाँ पे बैठी थी ना सोफे पे, तो मैंने बोला बैठे रहिए मैं दूसरी कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, आपने बोला नहीं नहीं आज आपका दिन है, तो ये पहली बार मुझे किसी ने बोला है कि आपका दिन है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तक जो बात हुई है ये इंटरनेशनल मेंस डे की, ये बात हुई है कि पुरुष और नारी और किस तरीके से न्याय जो है वो एक तरफा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन आर्मी में, जो कि मैंने रिक्वेस्ट करी थी राजनाथ सिंह जी से, मेरा कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उनके पास, तो मैंने कोशिश करी कि उनको ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से बताऊं, और अगर उन तक ये मैसेज पहुंचे तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। परेशानी ये है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, और इसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि इंडियन आर्मी में ज़्यादातर 95-98% मैन हैं और कॉम्बैट ड्यूटीज़ में 100% मैन हैं, 100% कॉम्बैट ड्यूटीज में, फ्रंटलाइन कॉम्बैट, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ते हैं, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करते हैं कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, जो कि ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में है, जिन्होंने कुछ साल पहले 20-22 साल पहले ऑपरेशन पवन श्रीलंका में करा, ये सब आदमी थे, मेल थे। मेरे ऐसे कोस्टमेट्स हैं, मेरे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो फौज छोड़ चुके हैं लेकिन आज भी रात को सो नहीं पाते हैं, उनको बहुत सीरियस मेंटल ट्रॉमा हुआ है, क्योंकि जब आप लगातार रोज खून खराबा देखते हैं, किसी का पेट कटा है, उसकी आंतें निकली हैं, किसी का भेजा उड़ गया, आपके ऊपर खून गिरा,
जब आप इतने रेगुलर बेसिस पे, वो तो अभी ठीक है कि पिछले 2 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, पर जब आप इतने रेगुलरली ब्लडशेड देखते हैं, इतने रेगुलरली खून खराबा देखते हैं, तो इसका असर किसी भी इंसान के दिमाग पे पड़ता है। अमेरिका में, US आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में और अन्य आर्मीज में इसके बारे में बातचीत होती है, इसके बारे में ट्रीटमेंट होती है, हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे हमें चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। और आज इंटरनेशनल मेंस डे के दिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा, डॉक्टर गुलेरिया साहब बैठे हैं हमारे बीच में, उनको बेहतर पता है, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है, क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे कोर्समेट्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिन्होंने ये सफ़र करा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, और ये बहुत ही ख़तरनाक, एक बड़ी खौफनाक चीज़ है जो कि होती है, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात को उठ जाते हैं सोते सोते, उनको नींद में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, किसी के हाथ से गोली चल गई, अगर किसी को लगी, किसी दूसरे इंसान को मारना जिसको आप जानते नहीं हैं। वो जो पाकिस्तानी फौजी है वो भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, आप भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, आपने उसको मारा। किसी भी इंसान, चाहे वो दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, टेलीविजन स्टूडियो में कहना बड़ा आसान होता है कि गोली मार दो, लेकिन असल में जब ट्रिगर फिंगर दबती है, और वो तकरीबन 2450 फीट प्रति सेकंड से AK-47 की गोली जब निकलती है और किसी के भेजे में या किसी के सीने में उतरती है, उसके अपने एक रैमिफिकेशंस होते हैं। और जो फौजी को करना है फौजी करेगा ना, अगर मारना है तो मारेगा, अगर गोली खानी है गोली खाएगा, ये उसका फ़र्ज है, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और हमें ऐसे मेडिकली फौज को, डिफेंस मिनिस्ट्री को और बाकी लोगों को ऐसे तैयार होना पड़ेगा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के ऊपर बात करें, क्योंकि जो देश का जो बेटा है, जो आपकी और हमारी हिफाजत कर रहा है बॉर्डर पे, वो लड़ाई थमने के बाद भी जीवन भर उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो दाम है, वो अदा कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस आ गया लाइन ऑफ कंट्रोल से या सरहद से वापस आ गया और गांव में, अपने गांव में आराम से सो रहा है, तो उसने उसकी कीमत चुकाना बंद कर दी। वो कीमत लगातार दर लगातार चुका रहा है, और आज इंटरनेशनल मेंस डे पे बस मेरा ये छोटा सा संदेश है। जय हिंद। इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, और मंच पर और दर्शकों श्रोताओं में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। तो जो अवसर है वो है पुरुष दिवस का। जिन्होंने जाना है, समझा है, उन्होंने हमसे कहा है कि पुरुष का अर्थ नर नहीं होता, मर्द नहीं होता, मेल नहीं होता, पुरुष का अर्थ होता है चेतना। तो क्यों ना इसे चेतना दिवस के रूप में समझा जाए, और वो सारी चीजें जो चेतना को उग्र हिंसक बनाती हैं, उसे एक भीतरी अंधेरे में रखती हैं, जिसके कारण वो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझता है, उसी चीज को क्यों ना जड़ से हटा दिया जाए। आप उसको अगर नहीं हटाओगे तो ये खेल लगातार चलता रहेगा, आज तुमने मुझे मारा कल मैं तुम्हें मारूंगी। अब सड़कों पर भी ये होने लग गया है, बिल्कुल होने लग गया है, कि महिलाएं उग्र होकर पुरुषों पर हाथ उठा रही हैं। ऐसा ही एक वाकया घटा था, वो मीडिया में बहुत छाया रहा था, उस पर मैंने बोला भी था पहले भी, पिछले वर्ष की बात है, शायद लखनऊ में हुआ था, और उसके अलावा भी बहुत कुछ होने लग गया है। जब नहीं भी होता था सक्रिय रूप से स्त्रियों द्वारा हिंसा का प्रदर्शन, तो भी वहां पर पैसिव वायलेंस तो रहता ही था। एक दफे मैंने पूछा था सच सच बताना, दुशासन को भीम ने मारा था या द्रौपदी ने, और दुशासन की बड़े बर्बर तरीके से हत्या करी गई थी। एक योद्धा दूसरे को मार दे रणभूमि में एक बात होती है, पर तो मार करके कहो कि इसकी छाती फोड़नी है, फिर उसका खून लेके जाना है, करा तो ये भीम ने, आंखें बोलेंगी भीम ने करा, देखो भीम कितना बर्बर हिंसक आदमी है, पर भीम को पीछे से प्रतिज्ञा तो द्रौपदी ने दिलवा रखी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि पुरुष ही हिंसक रहा है और स्त्रियां तो हमेशा से करुणा की मूर्ति रही हैं। हाँ, एक की हिंसा प्रकट होती है, दूसरे की अप्रकट होती है, और जब पलड़े ऊपर नीचे होते हैं तो इतना ही होता है कि जिसकी प्रकट थी अब उसकी अप्रकट हो जाएगी, और जिसकी अप्रकट थी अब प्रकट हो जाएगी। एक्टिव वायलेंस पैसिव वायलेंस में बदल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी पक्ष बाहुबल में कमजोर होता है वो हमेशा पैसिव वायलेंस करता है,
और वही पक्ष जब बाहुबल या कानूनी ताकत या धन बल पा जाता है तो फिर वो एक्टिव वायलेंस करता है। लेकिन वायलेंट तो हमेशा दोनों पक्ष होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि एक पक्ष शोषण कर रहा है और दूसरा शोषित है। अज्ञान का दूसरा नाम शोषण है। जो शोषण कर रहा है वही शोषित भी है। जो आज अपने आप को शोषित कह रहा है वो भीतर ही भीतर तैयारी करके बैठा है कि कल शोषण करूंगा। तो स्त्री और पुरुष को, माने नर और नारी को, मैं चाहूंगा, पता नहीं कितना व्यवहारिक है वो आप लोग देखिएगा, पर इस मन से बोल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि नर और नारी को, दोनों को चेतना के तल पर देखें, मानव मात्र ही माने, और मानव मात्र के भीतर से हिंसा हटे, इसका कुछ उपाय करें। बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको इंटरनेशनल मेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बरखा जी और पुरुष आयोग का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और बहुत जोश के साथ ऑर्गेनाइज किया। उनके भाषण से ये क्लियर हो जाता है कि उसमें कितने पैशनेटली इन्वॉल्व है। सो इट इज अ प्लेजर टू बी हियर एंड कंग्रेचुलेशन फॉर द वर्क दैट यू डूइंग। ये मैं मानता हूँ कि कई सदियों से पहले देर वॉज अ जेंडर इनइक्वालिटी और वुमेन एक्सप्लॉयटेशन रहा था, लेकिन दैट इज चेंज्ड एज सोसाइटी हैज प्रोग्रेस्ड, एज वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड। There is now that inequality is no longer there. As a matter of fact, there is more of exploitation at times. और ये हम workplace में भी देखते हैं। हम मैं एम्स में इतने साल रहा हूँ, 30 साल से ज़्यादा रहा हूँ। We have women harassment cell there. लेकिन अगर आप cell से बात करो तो वो कहेंगे कि it is not an issue of harassment. More than 95% of cases, जो complaints हमारे पास आती हैं, they are related to issues of exploitation or interpersonal relationship. Rather than any harassment. Office में हम देख रहे हैं कि there is a change in men in terms of the office structure. कई लोगों ने अपने office में CCTV लगाए हैं। कई लोग ये करते हैं कि they will ask a lady to come if a lady comes to see them. That type of situation is creating a lot of fear psychosis in men. And I think that is where the balance has shifted towards more of प्रेशर टेंशन ऑन मेन rather than women. और ये हमें जो बैलेंस है, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो चेंज करने की जरूरत है। दैट इज वाई इफ यू हैव अ वुमेन कमीशन, वी शुड हैव अ मेन कमीशन, और वी शुड हैव नो कमीशन एंड से देयर शुड बी अ कमीशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स। एंड मे बी एक दिन ऐसा आएगा व्हेन वी विल से वी शुड नॉट हैव इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वी शुड नॉट हैव एन इंटरनेशनल मेन्स डे, वी शुड हैव एन इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमंस। Because ultimately, all of us are human beings, irrespective of our gender, and we would like to live a life where everyone has equity, equality, and lives in harmony and peace. अगर हम ये कर पाएं, तो we will not need to have any of these days, and I look forward to such a day. But till such time, please continue the good work that you're doing. Thank you very much. Thank you, Bharatha ji, for inviting me here, and प्रेजेंट गेस्ट्स। काफी सुना पुरुष आयोग के बारे में और काफी दिनों से मैं कनेक्टेड हूं मैन से और संस्था से, तो आज विचार सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे फेक केसेस जो बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं अब, जैसे सोनल मांझी मैम ने बोला कि अभी हमें वीमेन कमीशन की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम उसकी जरूरत थी तो उसको लाया गया। बट अब कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि जेंडर इनइक्वलिटी है, उसकी अब जरूरत आ चुकी है कि इक्वल राइट्स दोनों को होने चाहिए हमें, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और कई बार उठाया भी है कि ये इक्वल राइट्स सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएं। कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट मैंने देखे कि फेक केसेस में विष्णु तिवारी जी का केस था, वो 20 साल जेल रह के आए, बट वो फेक केस था। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने सर से सुना कि PIL काफी लगाई है सर ने, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, हाई कोर्ट की तरफ से भी अभी कुछ जजमेंट ऐसे आने स्टार्ट हो गए हैं जो कि रियली मतलब पुरुष के फेवर में भी हैं। नाउ इट इज अ टाइम
कि जहाँ पे इक्वलिटी राइट्स होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मैन कमीशन एक नीड ऑफ द आर हो गई है इस टाइम, जिसकी सख्त जरूरत है, और ऑल ओवर इंडिया से नॉट फ्रॉम दिल्ली उठ रहे हैं केसेस की भाई इसकी मांग हो रही है, और मुझे ऐसा फीलिंग है कि इक्वलिटी राइट्स सब जगह अवेलेबल हों, तो आई कैन अश्योर मैम कि फ्यूचर में जो ये आपका हार्ड वर्क है और आपकी जो ये सिंसियरिटी है, ये आगे से हेल्प करेगी हमें मेंस कमीशन लाने के लिए। थैंक यू ऑल। पहली बात तो अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू एवरीवन हू हियर। बहुत बहुत तालियां बजाइए अपने लिए भाई, फाइनली रिकग्नाइज किया गया कि आदमियों के लिए भी एक दिन है, बहुत अच्छी बात है। कमाल की बात यह है, मैं रेडियो पे मैं सुबह 7 से कह रहा था 92.7 FM पर, मैंने पूरा शो कर डाला इस पर, और सुबह से लेकर अब तक मुझे 2 लोगों ने विश किया सिर्फ, जो यस आपने विश किया अभी, अभी को छोड़ दो ना, अभी तो आप इस माहौल में हो, पर पहले किसी ने नहीं किया। मेरी मम्मी आई है यहाँ, मेरी माता श्री, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं, इन्होंने भी मुझे विश नहीं किया सुबह से। मेरी सिस्टर इन लॉ आई है, उसने नहीं किया, मेरी बीवी ने नहीं किया, तो मतलब मैंने को बोला, मैंने घर से शुरुआत करते हैं, आपने ही विश किया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ बस यहाँ पर, कि अक्सर क्या होता है ना, चाहे विमेंस डे मनाए या मेंस डे मनाए, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना उल्टा ये नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिट सेक्स की बैशिंग चल रही है। जब विमेंस डे मनाते हैं इट इज नॉट अ डे अगेंस्ट मैन, सिमिलरली जब मेंस डे मनाते हैं इट्स नॉट अ डे अगेंस्ट वुमेन। आई थिंक सोसाइटी में सबकी अपनी अपनी जगह है, औरतें और मर्द और ट्रांसजेंडर्स हो चाहे कोई थर्ड सेक्स हो, जो भी है, एवरीवन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये बात समझने की जरूरत है। तो आई थिंक बहुत जरूरी था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे मर्दों की उपलब्धियां भी जो है वो सामने आए, हमारी जितनी भी हमने कम्पलिशमेंट्स की हैं वो सामने लाई जाए। तो मैं बरखा जी का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने ये मंच बनाया, और हार्दिक शुभकामनाएं हम सबको। शुक्र है भगवान का गुलाब का फूल आज मिला, वरना मैंने तो पिछली बार बोला था कोई गोभी का फूल ही दे देता कम वक्त, हमारा भी मेंस डे बन जाता। बट थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, कार्य सिद्धि अवार्ड, क्योंकि इसका मतलब है कि शायद मैं अपने ऑफिस को बोल पाऊँ कि इस बार तो इंक्रीमेंट दे देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं हूं खुर्रा पाटिल दिन। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने ऑनर दिया राजू जी को, और अभी मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बस ये जानती हूँ कि राजू जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और हमेशा उन्होंने हंसाया है, लोगों को हंसाया है, हंसने के लिए ही वो डेडिकेटेड थे और हंसाने के लिए, तो बस आप लोग उनको हंसते हंसाते याद करिए, और बस बाकी इंसान बहुत अच्छे थे, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही घर पे हमारे साथ में, हमारे घर में कभी भी लेडीज और जेंट्स इसके बीच में कभी भी सब डिफरेंसेस नहीं थे, हमारे बच्चों में भी कभी नहीं थे, तो मुझे लगता है ऐसे ही सबको करना चाहिए, और बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं एक आम आदमी छोटा सा, और आप सबका मान सम्मान मुझे मिला यहाँ बुला के, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अपने आप में बहुत खुशी महसूस हुई कि आप सबके सामने आज मैं अपनी बात रखने के लिए जा रहा हूँ, और मुझे मैं चाहता हूँ कि आगे तक आप सब मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, ऐसे मेरा सहयोग करते रहें। मैं ये कहता हूँ कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी को ही मानते हैं, और उसी के अनुसार जो हमारे देश का कल्चर है मैं उसी प्रकार से चलना चाहिए, कि आज जो मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है आप सभी ने देखा है, और आप सबका मुझे साथ भी बहुत मिला, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ अपने आप में, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है आप सबके सामने सम्मानित हुआ, शायद आप सबका ऐसे ही प्यार मेरे साथ बना रहे आगे तक। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे तो कोई जेंट्स हो या कोई लेडीज हो, संस्कृति हमारी ये कहती है कि हमें किसी के साथ अभद्रता से बात नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करने चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि कौन इंसान किस प्रकार से और कहां से आके अपनी किस मुसीबत में नौकरी कर रहा है। कोई भी इंसान चाहे तो छोटा हो या बड़ा हो, अपने कर्तव्य से जाना जाता है, और वो रहता ही इंसान है, ठीक है, उसकी संस्कृति उसके लिए सब कुछ होती है,
देखिए मैं एक छोटे से गांव देहात से हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ और आगे तक आप सबका ऐसे ही मेरे सिर पर हाथ बना रहे। धन्यवाद। नमस्ते, अश्विनी सर यहाँ हैं और बाकी सभी मंच पर बैठे हुए सभी विराजमान लोगों को मेरा नमस्कार। बरखा जी नमस्कार, सभी को इंटरनेशनल मेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और अश्विनी सर आज यहाँ हैं इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इनकी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसमें इन्होंने कहा है कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट और जितने भी कानून देश में हैं वो भारत के कानून भारतीय हिसाब से बने। हम आज भी 1860 का आईपीसी ढो रहे हैं, सीआरपीसी पुराना ढो रहे हैं, एविडेंस एक्ट पुराना ढो रहे हैं, तो क्यों ना भारत के राज्यों के लिए भारत के लोगों के लिए भारत का कानून बने। और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं ये एक पेपर दिया हूँ, मीडिया के बंधुओं को मैं दूंगा। कुछ लॉज हैं भारत में जो जेंडर न्यूट्रल नहीं है और होने चाहिए, वो विमेन स्पेसिफिक है, एक जेंडर स्पेसिफिक है, इसकी वजह से उनका दुरुपयोग भी होता है। वैसे कुछ हैं जिसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। एक है सीआरपीसी के अंदर ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। मेंटेनेंस हमने सबने सुना है लेकिन मेंटेनेंस हमेशा कहा जाता है कि मैन ही रेस्पॉन्सिबल होगा मेंटेनेंस देने के लिए, चाहे वो अपनी वाइफ को हो, अपने पेरेंट्स को हो, अपने बच्चों को हो, क्यों ना इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। आज जब हम देख रहे हैं कि समाज सशक्त हो रहा है, यहाँ पे काफी महिलाएं भी हैं या हम सबके घर में महिलाएं, चाहे हमारी माता है बहने हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे मामले में ये जो मेंटेनेंस एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल हो। आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस हैं जो जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है, जैसे कि असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स। अब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स तो लाजुक सी बात है कि किसी के ऊपर भी हो सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट की जहां तक बात है 354 और बाद में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 354 ए बी सी डी भी आया चारों, तो मुझे लगता है कि ये सब जेंडर न्यूट्रल होने की जरूरत है। 375 जो रेप की बात करता है, तो जैसे ही 377 को हमने डिक्रिमिनलाइज किया और अब ट्रांसजेंडर और बाकी जेंडर्स के लोग भी हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि 375 को जेंडर स्पेसिफिक बना के कोई औचित्य हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से अश्विनी सर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और जिस तरीके से अभी अभी हाल में अमित शाह साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी भारत में नया आईपीसी और नया सीआरपीसी आएगा, नए एविडेंस एक्ट आएंगे, मुझे लगता है कि बरखा तिहान जी का वो सपना कि एक सभ्य समाज में सारे लोगों को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड एक हक मिलना चाहिए जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो हो पाएगा और एक पुरुष आयोग भी फ्यूचर में कभी ना कभी हम देख पाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए पुनः। पुरुषों के सम्मान में हम सब ने काफी बातें करी, जेंडर डिवाइड खत्म होना चाहिए, जैसे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया सर ने बड़ी अच्छे तरीके से ये बात रखी कि हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हैं, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए हम सबको खड़े होना चाहिए, उसे जेंडर में नहीं डिवाइड करना पड़ेगा हमें। और अब की बार का थीम भी यही है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जिस दिन हम रियल सेंस में जेंडर इक्वालिटी की बात कर लेंगे हमारा देश बदल जाएगा। अश्विनी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी इसी मंच से कि आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे साथ यहाँ पे विवेक नारायण भारद्वाज जी भी थे, उन्होंने एक PIL भी डाली है इसके ऊपर। तो मैं यही कहना चाह रही हूं कि सभी की समानता की बात हम करें और हर्षोल्लास के साथ ये दिन मैं तो मनाती रहूंगी। मैं जब भी पुलिस स्टेशन वगैरह में फोन करती हूँ तो कहते हैं लेट देम डाई यार, तुम्हें क्या परेशानी है। अरे क्यों नहीं होगी परेशानी मुझे, मैं एक महिला और पुरुष में इस देश को नहीं बांटना चाहती हूं। मैं या आप सब, ये सब आपकी ही मुहिम है, मेरा कुछ नहीं है, आप सबकी ये मुहिम है। जिस दिन आप लोग ये दिल से सोचेंगे कि इसे और आगे लेके जाना है और ये डिफरेंस खत्म करना है हमें, जब मेरे पुरुष भाई कटते हैं, उन्हें की 50-50 100-100 टुकड़े होते हैं, उन्हें भी रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है, उन्हें भी नदियों में बहाया जाता है, उन्हें भी जंगलों में फेंका जाता है, क्या हम तब कोई डिस्कशन करते हैं। आज मैं ये प्रण लेती हूं कि मैं सभी महिलाओं से निवेदन भी करती हूं और उन्हें खींच करके
या मना करके या समझा करके जरूर आगे बढ़ने के लिए कहूंगी, क्योंकि जब महिलाएं आएंगी तभी पुरुषों की और भी ज्यादा ये बात उठ पाएगी, और उन्हें आना भी चाहिए क्योंकि महिलाएं ही हैं जो हमेशा इक्वालिटी की बात करती हैं। और इसी मंच से बोलना चाहती हूँ कि मैं सभी नेताओं को मिलकर के इस प्रस्ताव को रखती हूँ, मेंस मिनिस्ट्री जल्द इस देश में बन जाए और समान कानून बन जाए, और जो मेंस मिनिस्ट्री का अध्यक्ष होगा वो एक पुरुष ही होना चाहिए, क्योंकि एक पुरुष ही पुरुष का दर्द समझ सकता है। धन्यवाद।